हेलो भैया नमस्ते। नमस्कार प्रदीप भाई, कैसे हो? कैसे हो? बहुत अच्छे भाई, आप बताइए। तो क्या इस बार क्या दिखाने वाले हो हमको? सब कुछ है प्रदीप भाई, काफी एनिमल लेके तो सबसे पहले एक बार अपना नाम बताओ। मेरा नाम जसमिंदर सिंह है प्रदीप भाई, और श्री मुक्तसर साहब पंजाब से मैं बिलोंग करता हूँ। तो कैसा चल रहा है इस बार? बहुत अच्छा प्रदीप भाई। क्या क्या बेच चुके? मेरे लगे आधा तो बेच दिया। आधा तो ऑलमोस्ट चला गया कल ही। क्या ज्यादा सेल क्या हो रहा है? सब कुछ ही हो रहा है प्रदीप भाई, मुर्गा हो रहा है और डक हो रही है, कबूतर हो रहा है, अच्छा सेल हो रहा है, टर्की सेल हो रहा है। मेरे लग रहा है लोग बात घोड़े में ज्यादा कम इंटरेस्ट ले रहे और चिड़िया कबूतर में ज्यादा इंटरेस्ट। शौक है ना, मीन्स ऐसा है कि प्रदीप भाई हर बंदा ना, जैसे घोड़े का भी चलो अच्छा शौक है ना, तो ये भी एक मीन्स बजट के हिसाब से हर एक बंदा इसको, यानी कि आदमी 5,000 के अंदर के बजट में भी अपना शौक पूरा कर सकता है। पूरा कर सकता है बिल्कुल। घोड़े वाला शौक थोड़ा सा महंगा पड़ जाता है। हाँ महंगा है, लेकिन मीन्स देखा जाए तो अच्छा भी है, मीन्स उतना ही। हर आदमी की पहुंच में नहीं है ना। वो तो है हर बंदे, क्योंकि आज के टाइम में तो घोड़ा बहुत महंगा हो गया है। तो आगे चलो कुछ भी पाले एक उसका मन लगा रहता बिल्कुल, है बिल्कुल बिल्कुल शौक हाँ पूरा होता है। ओके तो अपन देखें एक बार। बिल्कुल प्रदीप भाई आ जाओ। तो ये क्या है? ये टर्की है प्रदीप भाई, अमेरिकन टर्की है। इसके अंदर 5 कलर आते हैं, व्हाइट, ब्लैक, सिल्वर, येलो और अमेरिकन। ये शो क्वालिटी के लिए ब्रीडिंग पेयर रखा हुआ है, यानी आपके घर के लिए? जी 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 बिल्कुल। ओके। और ये सील बच्चे हैं। अच्छा, ये वाले? ये अभी 2-2.5 मंथ के करीब है, दोनों मेल है। और ये सिंगल पीस है 1500 का, और अगर दोनों लेने तो 2500 का, यानी डिस्काउंट है 500 का। बिल्कुल सर। और ये खाकी चैम्बर है, इंडियन रनर भी है इसके अंदर, ब्रीडिंग पेयर है, डक है, एक बहुत ज्यादा देती है ये। अच्छा, ये 2000 का पेयर है। 2000 का, यानी कि जोड़ा सेमी एडल्ट 2 का है, ब्रीडिंग पेयर 2500 का है। 2500 का। और ये 500 का सिंगल बच्चा है, नियर अबाउट 50 डे का है। किसका बच्चा है? असील बच्चा है। असील बच्चा, हाँ असील बच्चा है। ये भी पालने के काम? पालने के लिए प्रदीप भाई। ओके। ये कबूतर है, ये जरा एक निकाल के दिखा। हाँ बिल्कुल। ये 2 कलर में है क्या? हाँ ये रखता है। ये कौन सी वो उड़ने वाले बोल देते हैं? उड़ने वाले हाई फ्लायर होते हैं। ओके। बाजी वाले भी बोल देते हैं। क्या है इनका जोड़ा है? ये 500 का सिंगल पीस है, अगर जोड़ा लेना है तो इसके अंदर भी डिस्काउंट है, 800 का पेयर। 800 का पेयर है। बाकी जो और ये है, और कौन कौन से तरीके के हैं? इसके अंदर तो बस खाली उड़ रहे हैं और दूसरे लट्ठे चला रहे हैं। अच्छा, और ये वाले? हाँ इसके अंदर ये मुखी आ गया, मुखी इसे बोलते हैं। इसमें 3 कलर है हमारे पास, कॉफी, सिल्वर और ब्लैक। ओके ठीक है। उसके बाद ये सराजे आ गए, इसके अंदर भी 3 कलर है, सिल्वर और येलो और ये ब्लैक। ओके। इसके बाद अपने सैंडी नेट आ गए ये वाले, यानी 4-5 तरीके के मिक्स कर दिए इसमें। नकाबपोश है हाँ, जिसके बाल ऐसे, ये इंडियन लग के, ये इंडियन लगते हैं। अच्छा, ये उड़ते नहीं है? हाँ ये सिंपल है, इसको बहुत लाइक करते हैं लोग। ये कितने का जोड़ा है? ये प्रदीप भाई 1500-2500 क्वालिटी के साथ। क्वालिटी के साथ। और ये तो बेंटन है, सिंपल क्वालिटी का, नॉर्मल क्वालिटी का। ओके। ये है बच्चे हैं अपने फीनिक्स सिंगल फॉल, ये अभी 3-4 मंथ के हैं। क्या क्या रेट है इनका? ये प्रदीप भाई 3000 का पेयर है। 3000 का जोड़ा। हाँ। और ये बेंटम है, ये भी नॉर्मल क्वालिटी के, ये भी 3000 का ब्रीड। 3000 का जी। और ये अच्छी क्वालिटी के। अच्छा। हाँ ये 4000 का पेयर है, ये भी बेंटम है। ये रैबिट है अपने देसी। ये 500 का पेयर। 500 का पेयर। बिल्कुल बिल्कुल। ओके। और ये मस्कोबी डक है, ये इनकी मदर है। अच्छा, ये 2 लीटर के बच्चे हैं, 2 बार ये बड़े पहले बार के। तो कितने अंडे दे देती है एक बार? ये प्रदीप भाई 30-35 एग देती है, 30-35 और 20-25 कवर कर लेती है, 15-18 बच्चे निकाल लेती है आराम से। कुछ मर जाते होंगे? मीन तो कुछ अंडे खराब हो जाते हैं, कुछ मर जाते हैं। ये सिल्की है। ये 6000 का पेयर है, ये भी सिल्की। क्या है जिनका जोड़ा? ये 6000 का पेयर है। 6000 ये 4000 का पेयर है बेंटन। और ये पॉलिश कैप है प्रदीप भाई, ये 6000 का पेयर है, ये अभी 7 मंथ के करीब है, ब्रीडिंग के लिए रेडी है। और ऊपर वाला पिंजरा खाली हो गया? खाली हो गया, पिंजरे बहुत खाली हो गए। और ये? ये अपनी गिन्नी फॉल है, चकोर बोल देते हैं इसे। अच्छा चकोर। ये एक बार मुक्सर में बहुत सारे आए थे, पता नहीं कौन ले, यूपी वाले ले गए, वो बच्चे लेके आए, मैंने देखा, मैंने पता नहीं ये क्या लेके आया है। उधर क्या पैर है इनका? ये 2500 का पैर। 2500 का। और ये टर्की है प्रदीप भाई, ब्लैक कलर का, ये 8500 का पैर है, वो तो देसी है, 600 रुपए का सिंगल पीस। ओके। ये बाकी ये मशीन है। हाँ ये बच्चे निकालने के लिए है प्रदीप भाई। अच्छा,
किसी भी ब्रीड का एग इसमें रखो तो हैचिंग क्या सिस्टम रहता है इसमें? इसमें सर ये सबसे पहले अपना टेम्परेचर सेट करने के लिए अच्छा जो मीन्स उसको देनी है और ये इसमें बल्ब लगते हैं अच्छा। ये सेंसर है okay. और ये जस्ट फैन है, ये ह्यूमिडिटी बाहर निकालता अच्छा, है अच्छा। ठीक है, और ये प्लग है और पूरा विंडो पूरा कमरे की तरह है, बिल्कुल कमरे की तरह है। तो कितना का है ये? ये 2503 है, थर्माकोल पे बना हुआ है। थर्मा ये इसमें सारे बनते हैं, रबड़ में भी बनता है अच्छा। थर्माकोल में भी। तो वैसे सही कौन सा रहता है? सब बेस्ट है प्रदीप भाई, बस अपना रखने का तरीका यूज करने का तरीका सही होना चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल पैसे खर्च करने ये बेस्ट है, अगर थोड़े ज्यादा करने तो प्लास्टिक का जिसमें कोका कोला वगैरह आते हैं उसकी बन जाती है। तो वैसे अभी किस तरीके के उनकी ज्यादा डिमांड करते हैं लोग? नहीं, लोग ऐसा है जैसे इसकी ज्यादा, इसको हर एक बंदा अफोर्ड कर सकता है, या इसमें यानी जोड़ा इसमें रख दो ना, जितने इसमें ये 50 से 100 अंडा कवर करता है अच्छा। मीन्स अगर छोटी फैंसी ब्रीड है 50 अपने 100 अंडा, अगर छोटा अंडा बड़ा है थोड़ा तो 70, अगर बिल्कुल बड़ा है जैसे टर्की का और डक का वो 50 के करीब अंडे कवर कर लेता है, 50 के करीब। इसको हर बंदा परचेज कर सकता है। और बाकी अभी जो मार्केट में देखे तो किस तरीके के कबूतरों की क्या डिमांड चल रही है? कबूतर मार्केट के अंदर सर 2000 से लेके 5000 तक जो ब्रीड आती है, जैसे चिल्ले हो गए, सराजे हो गए, इंडियन लक्के हो गए, सैंडीनेट हो गए, शॉर्ट फेस हो गए, नकाब हो गए, जिसको हर बंदा अफोर्ड कर सकता है वो ज्यादा सेल हो रहे हैं। और बाकी एरिए का हिसाब होता है, वैसे आप डिलीवरी तो हर जगह करते हो ऑल इंडिया पर, तो जैसे कभी कभार जैसे आपने कोई पक्षी भेजा और वो रास्ते में मान के चलो वो मैं आपको जरूर बताऊंगा प्रदीप भाई। ऐसा है कि बहुत बंदे मेरे साथ भी होता है, लेकिन हम वो नहीं करते कि फेसबुक पे पोस्ट डाल दो ग्रुपों में। जो बंदा एक बार आपसे 400 भी करके उसको छोड़ दो okay. पूरी लाइफ के लिए छोड़ दो, ठीक है, उससे ना माल कभी लो ना माल कभी दो, ठीक है, बात खत्म। मीन्स बंदा अपनी औकात दिखा देता है चंद पैसों के लिए okay. अब एक बार क्या हुआ, मैंने माल भेजा बंदे को, एक मुर्गा रास्ते में एक्सपायर हो गया, तो बंदे का कॉल आया कि जसविंदर भाई मुर्गा एक्सपायर हो गया okay. तो मैंने उसको प्रदीप भाई बोला कि क्या बात हुई, मैं नेक्स्ट ऑर्डर में आपको दोबारा मुर्गा भेज दूंगा, अगर नहीं भेजना तो मैं आपको उसकी पेमेंट रिटर्न कर देता हूँ, वापस कर देता हूँ। तो उसने उसको मैंने नेक्स्ट ऑर्डर में मुर्गा दे दिया, उसके बाद उस बंदे ने मुझे 42000 का ऑर्डर दिया 42 का, ठीक है। अगर मेरे को लगता है उसको उस दिन 1500 रुपया, उसने मेरे को कभी नहीं ऑर्डर करना था और मेरी मार्केट भी उसने खराब करनी थी, बिल्कुल ठीक है ना। अब बहुत बंदे, अब आप मेरे से माल लेते हो, आपने मेरे को जिंदा माल का पैसा दिया, आपके पास माल मरा हुआ पहुंचा, उसमें कसूर तो आपका भी नहीं है, वो तो है, मेरा भी नहीं है, बिल्कुल। लेकिन मैंने अपना वर्क कंटिन्यू करना है, ठीक है, मार्केट बनानी है, ट्रस्ट बनाना है, ठीक है, जेन्युइन काम करना है। और देखो जो आपका पैसा है वो हराम की कमाई तो है नहीं है पूरी भाई। अब मैं बोलूं भाई मैं क्या करूं, मैं तो जिंदा भेजा है भाई, तुमने भी तो जिंदा के पैसे दिए हैं, बिल्कुल, मरे हुए के पैसे थोड़ी ना दिए हैं, तो ऐसा होता है। और ट्रस्ट मेरे को लगता है एक ही बार होता है, बार बार नहीं होता प्रदीप भाई। अब यहाँ एक बंदा है यहाँ लोकल, उस बंदे ने मुक्सर मेरे से 30000 का माल लिया okay. लास्ट ईयर जिगराओं में 60000 का माल लिया अच्छा। अब आज और कल में 45000 का माल लेके गया है। अगर मैं उस किसी भी सौदे में उसके साथ 420 करता, वो मेरे पास कभी नहीं आता, लेके आता भी नहीं, लेने भी नहीं आता, और मार्केट में 20 जगह लेने भी नहीं देता, 20 जगह बोलता है, बिल्कुल बोलेगा भाई, बोलेगा जब उसने पैसा दिया है प्रदीप भाई, ठीक है ना। हम किसी से गलत करेंगे तो आपको उसको रिजल्ट तो मिलेगा ही मिलेगा ना उस चीज़। तो अपने पास में जैसे कि डॉग वगैरह की कौन कौन सी वैरायटी मिल जाती है? डॉग वगैरह की ऐसा है प्रदीप भाई, आपको पता है कि कोरोना के कारण और लॉकडाउन के कारण ट्रांसपोर्ट की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, बिल्कुल समझ रहे हो ना। और डॉग की मीन्स ब्रीड तो हमारे पास सारी मिल जाती है, अगर अवेलेबल नहीं है हम अरेंज करवा देते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे लैब्रे हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, बीगल हो गया, पग हो गया, आस्की हो गया, डैशर्ट पोमेरियन, ऑलमोस्ट हम अरेंज करवा देते हैं ओके जी। तो अब मैं लास्ट में आपको बोलना चाहूँगा कि एक बार चलो नंबर तो मैं आपका कार्ड दिखा दूंगा जी जी। तो जो फालतू कॉल बहुत आती होगी वो लोगों के लिए रिक्वेस्ट करूँगा, और उसके अंदर क्या है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, कस्टमर है उसका हक बनता है कॉल करने का, मैसेज करने का, बिल्कुल। अब मेरा क्या रेंज है, अगर मेरी औकात है, मेरी जेब में पैसा है, मैं हर बंदे को मैं तभी मैसेज करता हूँ, बिल्कुल। और जैसे आपने मेरे से किसी चीज का 2000 मांगा है, अगर मैं उसका 500 लगाऊं मेरे वास्ते गलत बात है, बिल्कुल है, ठीक है। जितने की वो चीज है कम से कम 1500 1200 1800 कुछ तो लगाना चाहिए, बिल्कुल। बहुत बंदे है फोटो डालो भाई, वीडियो डालो भाई, और टाइम पास कर देखो, और भाई मैं अपने मम्मी से पूछ के बताऊंगा, डैडी से पूछ के बताऊंगा, भाई से भाई नहीं मार रहा, तो मेरी यही है कि पहले पूछ के कॉल करो,
भैया जो भी बंदा कॉल कर रहा है वो जेन्युइन बंदे जिनको वास्तव में लेना है वही कॉल करे, क्योंकि अगर इनकी जगह का अगर आप भी हो गए ना तो आपको भी बहुत तकलीफ होगी। सिंपल बात है प्रदीप भाई, चलो मेरे कहना नहीं चाहता लेकिन कहता हूँ, अब कस्टमर है जो भगवान का रूप है ना, उसे हम गलत नहीं कहेंगे ना। अब कस्टमर बहुत ज्यादा है और अटेंड करने वाला खाली मैं सिंगल बंदा हूँ, नहीं हो सकता आपको पता है ना, क्योंकि देखो हमारे पास में भी दिन में 500 कॉल आते हैं, हम हर किसी का कॉल उठा के हर किसी को जवाब नहीं दे सकते। अभी व्हाट्सएप है मान के चलो, व्हाट्सएप पे मैसेज कॉल आता है, बंदा अटेंड नॉर्मल कर लेता है, फ्री होके कर लेगा, बिल्कुल ठीक है। अब इंस्टाग्राम पे आईडी बनी है अपनी ब्राड फार्म श्री मुक्तसर साहब के नाम पे, वहाँ मैसेज आता है, कॉल आती है, मैसेज रिप्लाई करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल आसानी से हो जाती है, लेकिन बार बार कॉल बार बार फिर बंदा इरिटेट हो जाता है। ये बाकी आपका इसमें जो 123 वाला ये व्हाट्सएप नंबर है और 600 वाला कॉलिंग नंबर है, और वैसे कोशिश करें आप 123 वाले नंबर पे ही भाई से कांटेक्ट करें, अगर आपको कुछ इमरजेंसी है तो आप कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, ओके थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।